जब से सुने हैं ना कि नहीं हो रहा है जब से। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोग का एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी अभी हम लोग रेडी उडी होके, धूप बहुत तेज किया हुआ है, बहुत तेज, तो हम लोग गमछी भी ले लिए हैं और हम और दुर्गेश निकले हैं। दुर्गेश जा रहा है हाई SKMB फतुहा कॉलेज और हम जा रहे हैं बख्तियारपुर। बख्तियारपुर जा रहे हैं तो हमारा नाम उम नहीं लिखाया है कॉलेज में, ना हमारा लिखाया है ना दुर्गेश का लिखाया है। तो देखते हैं क्या होता है नहीं होता। और मोहित यहाँ पे, उसको बुलाएंगे, मोहित को, उसको भी जाना है कॉलेज। ए मोहित, तो जैसा कि आप लोग देख सकते होंगे कि धूपा बहुत तेज है, तो हम तो इसी के लिए गमछी लिए हैं घर से, धूपा है, ये है वो है। बोलना तुम ना कि हिंदी इंग्लिश भी ले लो तो ले लिए ऑनर्स में, तो इना सोचिए मेन सब्जेक्ट का। और कॉलेज का एक बात बता देते हैं कि कॉलेज का कहीं खाली नहीं है सीट, कहीं नहीं। ये तो इसका हो गया, SKMB में स्पॉट डाल दिया था और रामलखन में, तो इसका SKMB में आ गया और हम तो सीधा रामलखन में ही डाले थे, तो हमारा आया ही नहीं। और दुर्गेश का तो बातें कहना ही उसका खत्म है, छोड़ दीजिए। तो अभी जाएंगे और वहाँ पता करेंगे क्या होता है क्या नहीं। यार हमको तो नहीं लग रहा है कि हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो हम दोनों को 1 साल बैठना पड़ेगा। 1 साल सोच रहे हैं, 1 साल सब आगे जाएगा तो हम पीछे आएंगे। 5 साल में बीए हो तो सबके 4 साल में बीए होगा, तो हमारा 5 साल में बीए होगा। बहुत झंडस है यार। हम चल जाएंगे स्टेशन और ये दोनों चल जाएगा SKMB। और हम कल भी आए थे, जा रहे थे कल बख्तियारपुर, तो कल गए थे साइबर कैप में गए थे, तो वो बोला कि कहीं सीट खाली उली नहीं है, मैथ है और साइंस है, फिजिक्स है, ये सब है, तो वो सब तो हमको लेना नहीं है क्योंकि आर्ट्स से है, तो वो सब तो हो जाएगा गड़बड़। तो अभी चलते हैं स्टेशन। साइंस बगला कार है, साइंस लेंगे, साइंस ना लेंगे हम, साइंस मेरा ले जाएगा। तो अभी चलते हैं स्टेशन और ये दोनों को कॉलेज चल जाएगा, हम स्टेशन चल जाएंगे, तो स्टेशन पे मिलते हैं। हम लोग स्टेशन पे पहुंच गए हैं और बांका घाट ट्रेन है, 11:27 में ट्रेन है, यहाँ से आता है। और ये रहा फतुहा स्टेशन मालगोरा, उधर से इस्लामपुर चल जाएगा सीधे उधर, इस्लामपुर, दनियामा, एकंगरसराय उधर से, और इधर से बख्तियारपुर से सीधे। तो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है और इस सगरो भिंगल है, अब काला शर्ट पहन के आ गए हैं और गर्मी लगेगा, सगरो के सगरो यहाँ इस सगरो भिंगल है। तो ट्रेन के आने दीजिए, इंतज़ार करते हैं ट्रेन का। तो फाइनली गाइस हमको ट्रेन मिल गया है और ट्रेन में हम बैठ चुके हैं और ये सिंगल सीट पे बैठे हैं और बाकी सब ट्रेन बोगी तो खाली है, कुछ 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 भरा हुआ। और ट्रेन भी खुल चुका है, इसका ज़्यादा स्टॉपेज भी नहीं है, बस यहाँ से खुशरूपुर, टेका बेगा और करौता, 3 स्टॉपेज है और उसके बाद बख्तियारपुर। बहुत गर्मी लग रहा है, ठंडा हवा चलेगा, रनिंग पकड़ेगा तो हवा तो देगा ही। और बहुत गर्मी लग रहा, ब्लैक शर्ट पहन के आ गए हैं तो गर्मी तो लगेगा ही, अब तो ऊपर से इतना ज़्यादा धूप और इतना गर्मी। बाल उल नहीं कटवा रहे हैं क्योंकि सावन चल रहा है और प्लस सोचे ना कि नाम उम लिखा कर दाढ़ी उड़ी बनवाएंगे, बाल उल कटवाएंगे, कुछ सब करेंगे, लेकिन एडमिशन ही नहीं हो रहा है, क्या करें, इसीलिए नहीं करवा रहे, छुट्टी नहीं मिल रहा है। अब आप लोग समझिएगा कि क्या करते हो कि तुमको छुट्टी नहीं मिलता है, तो बस ऐसी नहीं कटवा रहे हैं। आज देखते हैं, अगर आज नहीं होगा तो कल या परसों जाएंगे करवाने, बाल उल कटवाएंगे और ये सब करवाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं, हवा खाते हैं और चलते हैं।
रोहता हम लोग आए हैं तो एक बोतल पानी ले लिए हैं। गर्मी है इतना जितना कि आप लोग धूप में देख सकते होंगे, तो एक बोतल पानी तो लेना ज़रूरी है ना। आपको स्टेशन पे उतर गए हैं और अभी ट्रेन लगाई है और उतर गए और यहाँ 1:12:01 तो हम लोग बख्तियारपुर स्टेशन पे तो आ गए हैं और यहाँ बैठे हुए हैं और पीछे से आदित्य आ रहा। वही बोला कल हम उसको बोले थे कि मेरा एडमिशन वेडमिशन नहीं हो रहा है, साइबर ऊपर कैप में गए थे तो उसको फ़ोन किए, वो भी बख्तियारपुर का है, उसको फ़ोन किए तो बोला कि हम देखते हैं कल आना और सर जी से बात करते हैं। तो वो पीछे से पटना जाता है हमेशा पढ़ने, तो वही पीछे से आ रहा है और हम आ गए हैं 1:45 यहीं बैठते हैं और उसका इंतज़ार करते हैं। उस 1:05 में उसका ट्रेन यहाँ पर पहुँचेगा बख्तियारपुर स्टेशन पे। अब कुछ ना कुछ तो 1-2 घंटा बैठना ही पड़ेगा, 1:45 तो बैठते हैं और इंतज़ार करते हैं, देखते हैं तब तक मोबाइल वोबाइल इंस्टा उंस्टा सब चलाते हैं और क्या, फिर चलेंगे यहाँ से कॉलेज में। कॉलेज तो बहुत दूर है, सामने से दिखता है बट बहुत दूर है, पैदल उधर सामने दम। ए यार यदमिया आ गया, बम्प दिखा रहा अपना, हुआ सामने दम। 1:30 वाला है और अभी तक आदित्य नहीं आया है, आदित्य उसका ट्रेन ही नहीं आया है तो वो कहाँ से आ जाएगा। और आदित्य ये है एक भाई है मेरा, पापा के कुछ है रिश्ता में रिलेशनशिप में लगता है तो वो बख्तियारपुर में रहता, तो उसको बोले कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ है न मैरिड लिस्ट में, तीनों में से किसी में नाम नहीं दिया है और ना ही क्या बोलते हैं उसको स्पॉट में दिया है। तो बोला कि अच्छा हम बात करते हैं सर से और तुम कल आना, तो आज आए हैं और वो अपने गायब है, गायब नहीं है मतलब उसका ट्रेन ही नहीं आ रहा है, लेट कर रहा है ट्रेन ही। तो अभी तो 1:30 है, पूरा खाली हो गया है, आज तो उस टाइम बहुत भरा हुआ था। कुछ लोग है, अभी 3 ट्रेन पार किया यहाँ से बैठने के बाद, सामने 3 ट्रेन इंतज़ार करते हैं। अभी फतुए गया है, 1:30 है और अभी फतुआ गया है, मतलब पहुंचा है, गया नहीं है पहुंचा है, तो वेट करते हैं और क्या, टाइम तो लगेगा ही। तो फाइनली गाइस अभी 2:06 हुआ है और अभी आया है ट्रेन। गाड़ी है एक्सप्रेस बट हर जगह रोकते आया है, रोकते अभी 2:00 पहुंचाया है। गाड़ी रुकने का वेट करते हैं और आदित्य आता है तो मिलते हैं। और आ गया है और बात कर रहा है, एक टीटी था इसीलिए हम लोग रुके हुए थे। पहले 19वीं सदी का किंग रोड पे चलने वाला रोड प्रेजेंट अम्बेसडर कार। तो हम लोग स्टेशन से नीचे उतर गए हैं और ये रहा बख्तियारपुर स्टेशन का आगे वाला शो। तो अभी हम लोग बाइक पे बैठे हैं और अब चल रहे हैं कॉलेज की तरफ। यहाँ से कॉलेज कितना दूर है वो, यहाँ से कॉलेज हाफ किलोमीटर। तो अभी यहाँ से कॉलेज जाएंगे सर, आ रहे होंगे ना वो, तो हो जाएगा ना, एकदम हो जाएगा। हाँ
हम लोग कॉलेज तो आ गए, पर यहाँ अंदर चलते हैं, टीचर उचर से मिलते हैं। उस बार हम लोग इसके पीछे थे आगे, और ये बिल्डिंग में आ गए हैं। यहीं पे होगा। फोर लाइन पे आ गए हैं और टेम्पो उधर उतार के चल गया है। और बहुत दिमाग में माथा दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा। आपको तो वहाँ पे बताया नहीं कि क्या हुआ कॉलेज में, क्या नहीं। आप लोग चेहरा देख के समझ ही सकते होंगे कुछ हुआ नहीं। बोला कि नहीं होगा, टाइम निकल गया है और बहुत कुछ डिस डैश, तुम भरा नहीं। अरे यार क्या नहीं भरा। अच्छा वैसे आदित्य बोला है कि अगर RLS कॉलेज में नहीं होगा तो एक और कॉलेज है, उसको क्या तो नाम है, वो नाम नहीं याद आ रहा है, वहाँ भरने के लिए। तो वो बताएगा कि क्या उसका प्रोसेसिंग है क्या नहीं। अभी तो जा रहे हैं घर, यहाँ से फोर लाइन से टेम्पो पकड़ेंगे, 5-10 रुपया लेगा और महारानी चौक उतारेगा। हम तो सो गए थे। वो आप लोग को पैदल दिख रहा है जो ये लाइन में जा रहा है पैदल, उसके साथ ही हम बैठे हुए थे। हम इसको ओढ़े, ऐसे ओढ़े और सो गए। हमको नींद आ गया, तब माथा बहुत जोर से दर्द कर रहा था। नहीं हुआ यार, एक साल बैठे पड़ जाएगा, हो ना हो। हमको इतना अनुभव हो रहा है कि एक साल बैठे पड़ जाएगा, कॉलेज में नाम नहीं लिखाएगा तो। और वो एक और लिस्ट निकलने वाला है, तो देखिए क्या वो निकलता है क्या नहीं। ऐसे तो आज रात को बताएगा या कल बताएगा कि हाँ लुल्लू कॉलेज कुछ ऐसी नाम है, वही कॉलेज में, वही बख्तियारपुरे में है लुल्लू कॉलेज। अब देखिए यहाँ से चलते हैं घर, और घर जाके यहाँ से पहले टेम्पो उम्पो पकड़ेंगे और महारानी चौक उतरेंगे। फाइनली गाइस अभी घर पे आए हैं, और ये खुशी का मतलब ये नहीं समझिए कि हम खुश हैं, बस चेहरा पे ही खुशी है, दिल में अभी भी दर्द है। अभी अभी जस्ट आए ही रहे हैं, एकदम बैग रखे हैं। तो छोड़िए दिस डैश, अब दुख, हम देखिए मेरा आदत दुख को एकदम लेके बैठ जाना नहीं है, दुख को एकदम बकते रहना। अरे हो गया, हुआ जो हुआ, अब दुख के लेकर बैठा रहेंगे तो काम नहीं ना चलेगा। तो ठीक है, ये ब्लॉग को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी आप लोग समझ ही सकते हैं। अब जाएंगे, पानी पिएंगे, खाना तो नहीं खाएंगे और सोएंगे। बहुत इस समय दर्द कर रहा है, जब से सुने हैं ना कि नहीं हो रहा है, जब से। बाय बाय। अब तेरे बिना यहाँ